हे गाइस, आप सभी को मेरी क्रिसमस और सेंटा क्लॉज आप सभी को बहुत सारे गिफ्ट्स देके जाए और क्रिसमस है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हे गाइस, वेलकम बैक अगेन ऑन चैनल। अगर मैं आप सभी से पूछूं कि इंसान पहली बार हवा में कैसे उड़ा होगा तो आप सभी कहोगे कि एरोप्लेन के जरिए से, जिसे राइट ब्रदर ने इन्वेंट किया था, राइट? तो क्या एरोप्लेन्स के इन्वेंट होने से पहले इंसान पक्षियों की तरह हवा में नहीं उड़ सकते थे? अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो शायद आप गलत सोच रहे हो, क्योंकि एरोप्लेन, जेटपैक, एयर टैक्सी के आने से पहले भी इंसान हवा में उड़ सकते थे हॉट एयर बलून के जरिए से। और हॉट एयर बलून के जरिए से ही इंसान पहली बार आसमान की सैर की होगी, क्योंकि हॉट एयर बलून से पहले कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी जिससे ह्यूमंस हवा में उड़ सके। तो आइए जानते हैं हॉट एयर बलून के इन्वेंशन के बारे में और कुछ उसके फैक्ट्स के बारे में। मेरे साथ मैं हूँ विशाल और आप देख रहे हैं होमस्टे। शुरुआत पेरिस के इन्होंने शहर में रहने वाले दो ब्रदर्स जोसेफ माइकल और जैक्स एंटनी मोंट गोल्फियर ने पहली बार बलून का कंस्ट्रक्शन किया था। वो सिल्क से तैयार किया गया था, क्योंकि दोनों भाइयों को हवा में उड़ने का काफ़ी शौक था। इसलिए एक दिन उनके दिमाग में एक आइडिया आया कि अगर कागज के एक बड़े थैले में स्टीम भरकर उसे हल्का कर दिया जाए तो हवा में तैरा जा सकता है। और 5 जून 1787 को उन्होंने एक ऐसा एक्सपेरिमेंट किया जिसे देखने के लिए काफ़ी भीड़ एकत्रित हुई। उन दोनों ने कागज के गोल थैले का एक लंबे खंभे के ऊपर वाले हिस्से पर बांध दिया और उस ढेर में आग लगा दी। देखते ही देखते आग का धुआं तेजी से थैला में भरा गया और जिससे थैला हवा में तेजी से उठता हुआ 10 मिनट से भी कम समय में 800 मीटर की ऊंचाई तक पहुंच गया। लेकिन कोई भी इन्वेंशन एक ही अटेम्प्ट में सक्सेसफुल नहीं होता, इसलिए ये भी अंगूर के एक बाग में जाके गिर जाता है। इसके बाद मोंट गोल्फियर ब्रदर्स ने एक बार फिर बलून्स पर अपना एक्सपेरिमेंट रिपीट किया। इस बार उन्होंने एक कलरफुल बलून्स में कुछ जानवरों को बिठाकर उड़ाया, ये साबित करने के लिए कि बलून्स की हेल्प से ह्यूमंस को भी उड़ाया जा सकता है। 19 नवंबर 1787, इस दिन शायद इंसान ने आसमान की पहली बार सैर की होगी। उन्होंने एक बड़े बलून में दो इंडिविजुअल को बिठाकर सफल डिस्प्ले किया। ये दो व्यक्ति करीब आधे घंटे तक हवा में उड़ते रहे और 8 किलोमीटर तक उड़ने के बाद सेफ धरती पर लैंड करते हैं। अगली बार मोंट गोल्फियर ने यह डिसाइड किया कि वो खुद भी बलून में बैठकर उड़ेगा। 10 जनवरी 1787 को उसने लकड़ी के धुएं से एक गुब्बारे में बैठकर फुलाया, जिसमें वो 7 व्यक्तियों के साथ खुद भी बैठा था। वो गुब्बारा 3000 फीट की ऊंचाई तक ऊपर उठा और इस तरह से हॉट एयर बलून के जरिए से ह्यूमंस ने शायद पहली बार आसमान की सैर की। और कहा जाता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान ने अमरीका पर बम गिराने के लिए बलून्स का यूज़ किया था। इसके बाद तो बलून्स का कई तरीके से यूज होने लगा। होटल बलून के फैक्ट्स जानने से पहले अगर आपने अभी तक होमस्टेड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि होमस्टेड के आने वाले हर एक लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिलती हो। होटल बलून के कुछ फैक्ट्स की हम बात करें तो अब तक की सबसे लंबी होटल बलून फ्लाइट का रिकॉर्ड रिचर्ड ब्रेंसन का है, जिसे जापान से शुरू की गई और नॉर्थ कैनेडा में खत्म की गई, मतलब दुनिया के एक छोर से दूसरे छोर तक। और इसी उड़ान को सबसे तेजी से उड़ने वाली हॉट एयर बलून फ्लाइट भी कहा गया है, जो आसमान पर 394 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ाई गई थी, मतलब बुलेट ट्रेन से भी फास्ट। दुनिया का सबसे बड़ा हॉट एयर बलून फेस्टिवल हर साल अल्बुकर्क न्यू मैक्सिको में आयोजित किया जाता है। ये फेस्टिवल लगभग 9 दिनों तक चलता है और 500 से भी ज़्यादा हॉट एयर बलून उड़ान भरते हैं यहाँ पे। गाइस, शायद आप सभी को ना पता हो, लेकिन हॉट एयर बलून को 68,986 फीट की ऊंचाई तक उड़ाया गया है, जो कॉमर्शियल एयरलाइन की ऊंचाई से 2 गुना ज़्यादा है। इतनी ऊंचाई पर बास्केट में बैठे लोगों को ऑक्सीजन मास्क की जरूरत पड़ती है। तो दोस्तों, बस इसी के साथ आज के इन्वेंशन के वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि यहाँ पे आपको कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को जरूर दबा दे, ताकि होमस्टेड के आने वाली हर एक वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। मिलता हूँ अगले हफ्ते एक नए इन्वेंशन की वीडियो में। तब तक के लिए सेफ रहिए, हैप्पी रहिए, अपने आजू बाजू सफाई रखें, नियमों का पालन करें और ऑनेस्ट बने।